तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत केमिस्ट्री की इस बैच में। मैं ज्ञानेंद्र शुक्ला आपके समक्ष एक नए वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन रिएक्शन, जो कि रिलेट करता है फिनॉल से। इट मीन्स फिनॉल से रिलेटेड जो कन्वर्जन रिएक्शंस हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इसको ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और जो रिएजेंट मैं यूज कर रहा हूँ उसके थ्रू जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, इसका मतलब अंतिम जो उत्पाद बन रहा है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फिनॉल के बारे में। ये है फिनॉल का स्ट्रक्चर, मतलब एक बेंजीन बनाना है और उसके ऊपर क्या लगाना है, OH, ठीक है ना। ये बन गया हमारा फिनॉल। अब फिनॉल में सबसे पहला क्या करने चल रहे हैं, पहले ही रिएक्शन हम करने चल रहे हैं। सबसे पहले इस फिनॉल की रिएक्शन हम कराने चल रहे हैं जिंक के साथ। किसके साथ करा रहे हैं भाई, पहली रिएक्शन हम जिंक के साथ करा रहे हैं। जब फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ कराओगे तो जिंक के साथ ये इसका होगा अपचयन और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। किसमें बदल जाएगा, बेंजीन में। अर्थात अगर कहीं पे फिनॉल से जिंक बेंजीन बनाने की बात आ जाए तो आप उसकी रिएक्शन जिंक से करा देना, और इसके साथ सह उत्पाद में कह सकते हो जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा भाई, इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जिंक ऑक्साइड। दूसरे रिएजेंट पे अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास लिखा गया है रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन और प्रेजेंस ऑफ क्या है, CH2, मतलब कार्बन सल्फाइड के प्रेजेंस में ब्रोमीन की रिएक्शन कराई गई है। जो कार्बन सल्फाइड है यहाँ पे काम करता है विलायक का। किसका कार्य करता है भाई, यहाँ पे कार्य करता है विलायक का। तो जब ब्रोमीन के साथ आप कार्बन सल्फाइड के प्रेजेंस में फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, देखिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला तो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन का, OH लगा रहेगा, एक बार BR जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार BR हमारा चला जाएगा पैरा पोजीशन पे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो, ये इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल बनेगा, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल और साथ ही साथ पैरा ब्रोमो फिनॉल मिलेगा। इट मीन्स जब आप ब्रोमीन के साथ फिनॉल के रिएक्शन कराओगे तो दो उत्पाद बनेंगे, एक तो बनेगा आर्थो ब्रोमो फिनॉल और दूसरा बनेगा पैरा ब्रोमो फिनॉल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इन दोनों में मेजर कौन सा है, तो पैरा ब्रोमो फिनॉल हमारे लिए मेजर हो जाएगा और ये वाला हमारे लिए क्या बन जाएगा भाई, माइनर बन जाएगा। मतलब दो रिएजेंट का हमने यूज किया, एक तो हमने किया कि जब फिनॉल की रिएक्शन आप जिंक से कराएंगे तो जिंक के साथ कराने के बाद आपको क्या मिलता है भाई, यहाँ पे मिलता है उत्पाद के रूप में बेंजीन और सह उत्पाद के रूप में मिलता है जिंक ऑक्साइड। और जब आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं कार्बन सल्फाइड विलायक के प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलता है भाई, दो प्रोडक्ट मिलता है, एक तो मिलता है आर्थो ब्रोमो फिनॉल और दूसरा मिलता है पैरा ब्रोमो फिनॉल, जिसमें पैरा ब्रोमो फिनॉल जो है वो मेजर उत्पाद है, पर मेजर बोले तो प्रमुख उत्पाद है। यहां तक बातें आपकी क्लियर है। चलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे लेकर के हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हम कराते हैं नेक्स्ट रिएजेंट के रूप में। अगर मान लो यहीं पे ब्रोमीन का 3 मोल, कितना मोल भाई, यहीं पे ब्रोमीन का हम लोग 3 मोल यूज करते, ब्रोमीन का कितना, 3 मोल यूज कर लेते हैं। तो ब्रोमीन के जैसे 3 मोल आप यहाँ पे यूज करोगे, ब्रोमीन के कितने मोल यूज करोगे भाई, 3 मोल जैसे आप ब्रोमीन के यहाँ पे यूज करेंगे आपको प्रोडक्ट बनता दिखाई देगा कुछ ऐसा। देखो ये है बेंजीन, इसके आगे ऊपर लिखा है OH, क्या लिखा है, OH हो गया फिनॉल। अब इस फिनॉल के साथ 3 जगहों पे हमारा ब्रोमीन लगता मिलेगा, एक आर्थो पे, एक पैरा पे, फिर आर्थो पे एक ब्रोमीन मिलेगा। अब इसको बोलते हैं 2,4,6, इसका IUPAC नेम भी पूछा जाता है, तो लिखेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसी को कहते हैं सिमेट्रिक ब्रोमो फिनॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये कन्वर्जन पे पूछ लिया जाता है। तो जब फिनॉल की रिएक्शन 3 मोल ब्रोमीन के साथ कराओगे तो आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। नेक्स्ट रिएजेंट के रूप में हम नेक्स्ट रिएक्शन करने चल रहे हैं, और नेक्स्ट में हम रिएक्शन कर रहे हैं, इस फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं इस बार अमोनिया से। किससे करा रहे हैं भाई, इस बार हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया से। जैसे आप अमोनिया से इसकी रिएक्शन कराएंगे, यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ के OH के साथ बाहर चला जाएगा और फाइनल उत्पाद के रूप में हमको मिलेगा एनिलीन। क्या मिल जाएगा बेटा, ये फाइनल उत्पाद मिल जाएगा और यहाँ पे सह उत्पाद के रूप में निकल करके आएगा वाटर, तो इसको बोलते हैं एनिलीन। इसको क्या बोलेंगे भाई, ये बन जाएगा हमारा एनिलीन। तो ये मेरा हो गया एनिलीन।
तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास, अगर फिनॉल की रिएक्शन किससे करा रहे हो आप लोग, अगर फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हो तो अमोनिया से कराने के बाद क्या बन जाता है भाई, एनिलीन बन जाता है, एरिल एमाइन बन जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसमें लिखा होता है ZnCl2 और कुछ टेम्परेचर 745 केल्विन लिखा जाता है, तो आप इसके लिए परेशान ना होइएगा, ठीक है ना। आज कैटालिस्ट वर्क करेगा इस रिएक्शन के लिए, तो ZnCl2 जो होता है, ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो एनिलीन का निर्माण हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। फिर कन्वर्जन की और रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, और रिएजेंट के थ्रू देखते हैं क्या प्रोडक्ट के रूप में हमें चीजें मिलती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसी बेंजीन की इसी फिनॉल की रिएक्शन हम किससे कराते भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कई बार ये कन्वर्जन पूछा गया है, अगर हम इसी की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते, किससे कराते भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने के पश्चात ये क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा भैया, सोडियम फिनॉक्साइड, एक ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव और सोडियम पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो इसका नाम क्या हो जाता भाई, इसका नाम हो जाता सोडियम फिनॉक्साइड। तो हमारा बन जाता है यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पे बन जाता सोडियम फिनॉक्साइड। जब इसकी रिएक्शन आप किससे करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड का यहां से निर्माण हो जाता है। फिर अगर मान लो इसी की रिएक्शन हम एस्टिल क्लोराइड से कराएं, इट मीन्स हम अगर इसी की रिएक्शन करा देते हैं, मान लो इसी की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किसके साथ, इसी की रिएक्शन कराते हैं CH3COCl के साथ, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यहां से, कुछ विशेष नहीं होगा। यहां पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, CH3COl हो, या फिर कह सकते हो एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो भाई, एसिड एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज कर सकते हो। अगर इसके साथ ये रिएक्शन कराओगे तो आपका प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा एस्टेनिलाइड, ठीक है ना, जिसमें बनेगा OCOCH3। और फर्दर अगर आप इसी की रिएक्शन फिर से इसी की रिएक्शन आप करा देते हैं, आप इसी की रिएक्शन अगर करा देते हो किसी भी लुईस एसिड से, किससे कराते हो, लुईस एसिड से, लुईस एसिड में मान लो हमने लिया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोरा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, और गर्म कर देंगे तो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा, इस फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिलता है भाई, तो इस फाइनल प्रोडक्ट में मिलेगा, एक तो OH ऊपर ही लगे रहेगा, ठीक है ना, OH ऊपर लग जाएगा, और यही COCH3 यहाँ पे एक बार ऑर्थो पोजिशन पे आ जाएगा, और दूसरी बार यही कहाँ पे चला जाएगा बेटा, यही आपका पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है ना, एक बार आर्थो और एक बार पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। अगर इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे तो आर्थो क्या लिखेंगे भाई, आर्थो, ठीक है ना, फेनिल एसीटेट, इसी को बोलते हैं आर्थो फेनिल एसीटेट, या इसी को बोलेंगे पैरा फेनिल एसीटेट। तो ये कन्वर्जन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर दीजिए, सारी कन्वर्जन्स को नोट करिए। फिर मैं कुछ और रिएजेंट के साथ आपको रिएक्शन करा करके दिखाता हूं कि इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनेगा। तो एक बार पूरे क्रम को आप ध्यान से देख लीजिए, दो रिएक्शंस और हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, उनसे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, अगर फिनॉल की रिएक्शन जिंक से कराओगे तो बेंजीन मिलेगा, ब्रोमीन वाटर से कराओगे प्रेजेंस ऑफ CH2 तो ये आपको क्या बनाएगा, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल बनाएगा या पैरा ब्रोमो फिनॉल मिलाएगा। जब इसी फिनॉल की रिएक्शन, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मान लो यहाँ पे हम फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से बनाएंगे तो दो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, एक ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल मिलेगा और एक पैरा नाइट्रो फिनॉल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है भाई, NO2 नाइट्रो बनता है, ठीक है ना, तो ये आर्थो पैरा पोजीशन पे जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, कौन सा ज्यादा मेजर बनेगा, ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो हम बताएंगे पैरा वाला ज्यादा बनेगा। फिर कभी कभी रिएक्शन में पूछ लिया जाता है कि अगर यह कंसेंट्रिक H2SO4 लिखा जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो लिख लीजिएगा 4-हाइड्रोक्सीबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये मेजर बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा बेटा, माइनर बनेगा। आई होप कि ये सेशन आपको समझ आया होगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है। एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों मित्रों सखी सहेलियों के पास, जिससे मुझे नई जिससे लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े, और साथ ही साथ आप लोग मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहे, वीडियो में कमेंट करते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, जिससे मुझे मेरा मोटिवेशन
पावर बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई वीडियोज बनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।